तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? तो जी, आज की वीडियो जो होने वाली है वो स्पेशल होने वाली है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछे हैं इमिग्रेशन को लेके, कि इमिग्रेशन में क्या पूछते हैं, कहाँ से हमें जो है फ्लाई करना चाहिए अगर हम आर्मेनिया आ रहे हैं, या इमिग्रेशन कैसे क्लियर करते हैं। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या पूछा जाता है, आप कैसे आसानी से इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हैं, और क्या क्या उनके सवाल होते हैं जो आपको रेडी करके जाना चाहिए अगर आप टूरिस्ट जा रहे हैं, या फिर आप ई वीज़े पे जा रहे हैं, या स्टिकर वीज़े पे जा रहे हैं, या फिर किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, तो इमिग्रेशन आपको कैसे आसानी से क्लियर करनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज है जी 11 नवंबर, और कल है जी दिवाली। तो दिवाली की सारी शुभकामनाएं सबको, सबकी दिवाली अच्छी जाए, और जो जहां आने वाले हैं उनकी भी अच्छी जाए, और सबके लिए शुभकामनाएं हैं दिवाली की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिड नवंबर आ गया है, जो है वो पत्ते, वो जो ट्रीज़ हैं वो सारे खाली हो गए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो किसी भी वक्त जो है वो स्नोफॉल हो सकती है, और मौसम जो है काफ़ी बढ़िया हो गया, सर्दी होगी यहाँ पे, तो स्नोफॉल जो होने वाली है, हो सकता है कि आने वाले 10-15 दिनों में यहाँ पे स्नोफॉल हो जाए। तो जी सबसे पहले जो बात कर लेते हैं वो करते हैं जी डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हैं किसी भी देश में, चाहे आप आर्मेनिया के लिए आ रहे हैं, तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड रहती है। तो सबसे पहले जो है जी आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, और पासपोर्ट के अंदर जो है आपका वीज़ा, चाहे वो ई वीज़ा या स्टिकर वीज़ा, कोई भी वीज़ा है वो आपको अपने पास रखना है। अगर आपका ई वीज़ा है तो उसको आपको प्रिंट करा लेना है, आपके पास रखना है। आपकी टिकट होनी चाहिए जाने की, रिटर्न टिकट भी होनी चाहिए जो आने की टिकट है। उसके अलावा होटल बुकिंग होनी चाहिए कि कितने दिनों के लिए आप रह सकते हैं, और वो कंफर्म होनी चाहिए, और आपकी जो रिटर्न टिकट है वो भी कंफर्म होनी चाहिए। इसके साथ आपका ट्रैवल इंश्योरेंस लगेगा, ठीक है जी। तो बस यही कुछ ज़रूरी पेपर हैं जो आपके पास होने चाहिए अगर आप फ्लाई कर रहे हैं तो। क्योंकि अगर इनमें से कुछ भी पेपर जो आपके पास नहीं हुआ, मान लीजिए अगर आपके पास जो है वो होटल बुकिंग कंफर्म ना हुई, या फिर आपकी जो टिकट है वो डमी हुई, जैसे डमी टिकट ले लेते हैं, तो इमिग्रेशन वाले आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, हो सकता है कि वो आपको फ्लाई ना करने दें, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप जा रहे हैं, सेफेस्ट तरीका यही है कि पेपर जो है वो पूरे सारे के सारे जेन्युइन ही होने चाहिए। अगर आपके पास जेन्युइन पेपर होंगे तो वो आपको नहीं रोक सकते। आपके पास जो टिकट है, फ्लाई टिकट है आपकी, वो सेम ही एयरलाइंस की होनी चाहिए। जैसे कि आप जा रहे हैं, मान लीजिए कि आप कतर एयरवेज से जा रहे हैं, तो आपकी जो रिटर्न टिकट है वो भी कतर एयरवेज की होनी चाहिए, बिना PNR सेम होना चाहिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो बस ये डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, जो कि आपके पास कन्फर्म ही होने चाहिए। तो अगर आपके पास ये कन्फर्म होंगे तो फिर वो आपको किसी भी तरह से रोक नहीं सकते हैं, ना ही कोई एलिगेशन लगा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि पूछते हैं कि लोग ये फ्लाई कहाँ से करना चाहिए, किस एयरपोर्ट से निकलना चाहिए, या कौन सा एयरपोर्ट सेफ रहेगा। देखिए जी, अगर तो आप के पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो फिर तो सभी एयरपोर्ट सेफ हैं, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे तो फिर कोई भी नहीं आपको रोक सकता अप्लाई करने से। हाँ, अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी है, या फिर मान लीजिए कि आपकी टिकट डमी है, या फिर आपने होटल बुकिंग जो है वो सही नहीं करा रखी, या पे एट प्रॉपर्टी वाली होटल बुकिंग है, तो फिर वो आपको रोक सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, तो आपको उन सवालों के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास डमी टिकट है, या फिर आपके पास पे एट प्रॉपर्टी वाली बुकिंग है, तो वो आपको रोक लेंगे। अगर आप सही से उनके सवालों के जवाब देंगे तो फिर वो आपको नहीं रोक सकते फ्लाई करने से। तो यही कुछ बातों का ध्यान आपको रखना होगा, और मैं आपके कुछ सवालों के जवाब देने वाला हूँ कि वो आपसे क्या पूछ सकते हैं और आपको उनका जवाब जो है वो कैसे देना है। तो जी, अगर तो आपके पास पे एट प्रॉपर्टी वाली जो है वो बुकिंग है, तो वो आपसे पूछेंगे इमिग्रेशन में, हो सकता है कि पूछें कि आप पे एट प्रॉपर्टी वाली ऑप्शन क्यों लेके जा रहे हो, क्यों आपने जो है वो अपनी जो होटल बुकिंग है उसको कंफर्म नहीं किया। तो आप उनको बता सकते हैं जी, वो ऑप्शन है हमारे पास, पे एट प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन है, तो हम उस ऑप्शन का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये होटल ने हमें फैसिलिटी दे रखी है कि आप वहाँ पे आए और वहाँ पे आके पे करें, तो इसलिए हमने उस ऑप्शन को चूज़ किया है, क्योंकि ये सेफ़ है, क्योंकि हमारे पैसे हमारी जेब में है। हाँ, हम वहाँ जाएंगे, अगर हमें कोई और अच्छा ऑप्शन मिला तो
तो हम किसी और होटल में मूव कर सकते हैं। तो ये हमारी ऑप्शन है, ये हमारी फैसिलिटी के लिए है, तो हमने उसका यूज़ किया है। तो बस ये सिंपल सा जवाब है इसका, तो आप उनको दे सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जी दूसरा जो सवाल आएगा वो आएगा आपका रिटर्न टिकट को लेके, कि आपकी रिटर्न टिकट कंफर्म क्यों नहीं है। तो इस बारे में आपको उनको जवाब यही देना है कि भाई कि हम वहाँ जा रहे हैं घूमने, और हो सकता है कि उस हम वहाँ से आगे भी जाएं। मान लीजिए जैसे कि वहाँ जहाँ से टर्की है, जॉर्जिया है, नज़दीक पड़ता है, जो बॉर्डर शेयर होते हैं, अजरबैजान है, तो हम वहाँ से आगे मूव कर सकते हैं। इसलिए हमने आपकी अपनी रिटर्न टिकट जो है वो कंफर्म नहीं कर रखी है। हो सकता है कि हम वहाँ से आगे निकल जाएं, जैसे जॉर्जिया निकल जाएं या टर्की निकल जाएं, तो वहाँ से हम अपनी रिटर्न टिकट बनवा लेंगे। इसलिए हमने अपनी रिटर्न टिकट जो है वो कंफर्म नहीं की है। तो आप इसके बारे में उन्हें इसके बारे में जो जवाब दे सकते हैं कि हम जब वापस आना चाहेंगे हम आपकी अपनी जो टिकट है उसको कन्फर्म कर लेंगे। अब जो अगला सवाल है जो ज़्यादा पूछा जाता है इमिग्रेशन की तरफ से, वो ये रहता है कि आप तो वहाँ जा रहे हैं लेकिन आप वहाँ कहाँ कहाँ घूमेंगे। तो ये आपको पूरा जी होमवर्क करके जाना पड़ेगा घर से ही, कि आप जैसे आर्मेनिया आ रहे हैं तो आप वहाँ कहाँ कहाँ घूमेंगे, कौन सी ऐसी जगहें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप वहाँ गूगल से या यूट्यूब से इसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कीजिए, ताकि आप इमिग्रेशन के सवालों का जो है वो जवाब दे सके कि आप कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं और क्या क्या आप वहाँ पे देखने वाले हैं। और जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में आपको पूरा पूरा पता होना चाहिए, कि जैसे कि आपकी रिटर्न टिकट के बारे में पूछ सकते हैं कि कितने बजे की आपकी वापसी की फ़्लाइट है, किस दिन आप वापस आने वाले हैं। और वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप किस होटल में रहने वाले हैं, होटल का नाम, होटल का एड्रेस, होटल का फ़ोन नंबर, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं वो उन्हीं के बारे में सवाल पूछ सकते हैं आपसे, और जो आपकी टूर की प्लानिंग है उसी के बारे में पूछेंगे। इसके अलावा वो आपसे कोई भी दूसरा सवाल जो है वो नहीं पूछ सकते। और आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, वो भी पूछ सकते हैं आपके कि कौन सी लैंग्वेज है, क्या करेंसी है वहाँ पे जो चलती है। और दूसरी बात, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, कि आपको अपने साथ कम से कम 50,000 रुपये इंडियन रुपीज़ को कन्वर्ट करना होगा डॉलर्स में, जो आपको यहाँ पे रखना होगा। जैसे कि आप मान लीजिए 600-700 डॉलर अपने पास रखिए, ताजो अगर वो आपसे ये पूछें कि आप वहाँ घूमने जा रहे हैं, आपके पास सफिशेंट कैश है या नहीं है, तो आप उनको दिखा सकेंगे हमारे पास ये 700 डॉलर, 600-700 डॉलर हैं जो हम स्पेंड करने वाले हैं। साथ में हमारे साथ क्रेडिट कार्ड रखिए अपने साथ, अपना डेबिट कार्ड रखिए, ये कार्ड है हमारे पास, अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास और भी कैश है। तो आपको ये है जो पूरी तैयारी करके जाना होगा, पूरा होमवर्क करके जाना होगा, ताजो वो कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछें आप उनका जवाब दे दें, तो फिर वो आपको फ्लाई करने से नहीं रोक सकते। तो अब जो सवाल जो पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में, कि कहाँ से फ्लाई करें, सेफेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, तो जी मैं तो यही बोलूँगा कि दिल्ली को छोड़ दो और कहीं से भी फ्लाई कर लो। तो दिल्ली वाले जो है बहुत ही प्रॉब्लम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, वो आपको चढ़ने से वो रोकेंगे, सवाल पूछेंगे, यही पूछेंगे आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है तब भी पूछेंगे। तो इसलिए तो मैं यही सजेशन दूंगा कि दिल्ली को छोड़ के कहीं से भी, कहीं की इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट से आप फ्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जेन्युइन हैं, तो कोई दिक्कत आपको आने वाली वहाँ पे नहीं है। तो जो लोग जो हैं फर्स्ट टाइम फ्लाई करते हैं, जो वो थोड़े से नर्वस होते हैं, उनके पास चाहे पूरे डॉक्यूमेंट भी हो, वो तब भी नर्वस रहते हैं कि इमिग्रेशन हमसे क्या पूछेगा, है ना। तो इमिग्रेशन का एक थोड़ा सा डर होता है इमिग्रेशन फेस करने का, तो आपको किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो आप वहाँ पे आराम से जाएं, उनके जो सवाल वो पूछेंगे, अपना टाइम लीजिए, ठीक है जी, और आराम से सोच समझ के उसका जवाब दीजिए। किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं होती है, आराम से सोचिए, समझिए, जो उन्होंने पूछा है उसका सही से जवाब दीजिए, आप इमिग्रेशन आसानी से क्लियर कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो भी अगर आपको इमिग्रेशन दिक्कत करता है, बोलते हैं कि हम आपको नहीं जाने देंगे, हमें लगता है कि आप वापस नहीं आने वाले, तो अगर ऐसी बात बोली जाती है इमिग्रेशन की तरफ से, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका सवाल करने का हक बनता है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट जेन्युइन है तो आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि भाई आप हमें क्यों नहीं जाने देना चाह रहे, ये आप कैसे कह सकते हैं कि हम वापस नहीं आने वाले, हमारे पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारी रिटर्न टिकट है, हमारे पास कन्फर्म है, हमारी होटल बुकिंग है, एक हफ्ते की आइटनरी है जे, तो फिर भी आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम वापस नहीं आने वाले, जे आप अपने मन से नहीं कह सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी बात है, अगर आप बोल रहे हैं कि हम वापस नहीं आने वाले, तो ये आप हमें लिख के दे सकते हैं कि आप हमें अप्लाई नहीं करना देने चाह रहे, तो आप भी उनसे सवाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इमिग्रेशन की हाँ में हाँ मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप वो आपको फोर्स करें कि आप नहीं जाएं, अजय ही जा रहे, आप नहीं जा रहे, कि आप वापस नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, तो आप फोर्स करें
तो आप भी उनसे उल्टा सवाल कर सकते हैं, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जी एक सवाल जो है वो और पूछा जाता है कि कौन सी एयरलाइन सही रहेगी, कौन सी एयरलाइन की जो है वो टिकट ले, जो लोग खुद टिकट करना चाहते हैं वो। तो ऐसा है कि सभी एयरलाइन अच्छी हैं, तो लेकिन मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा वो करूँगा जी कतर एयरवेज़ और फ्लाई दुबई। आप इनमें से किसी की भी टिकट ले सकते हैं, दोनों ही अच्छी एयरलाइन हैं। एयर अरेबिया मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो परेशानी खड़ी करते हैं अपने कस्टमर के लिए, उनकी काफ़ी सारी कंप्लेंट्स हैं, इसलिए एयर अरेबिया मैं रिकमेंड नहीं करता। कतर एयरवेज़ और फ्लाई दुबई आप किसी की भी जो है वो टिकट ले सकते हैं। तो जी सस्ती एयरलाइन के चक्कर में आपको नहीं जाना है। कई बार कोई क्या है कि लोग जो है वो सस्ती कोई टिकट देख लेते हैं, तो वो जो आपका काम ख़राब हो सकता है। कई बार वो एयरलाइन आपको परेशानी करेगी, आपको चढ़ने नहीं दें, ठीक है। तो वो कई बार टिकट ऐसी होती है कि जो सेल्फ ट्रांजिट होती है, तो आपको खुद ही से अपना बैग वगैरह कैरी करके दूसरे टर्मिनल पे शिफ्ट करना होता है, तो उस चक्कर में कई बार फ़्लाइट छूट जाती है। तो ऐसी टिकट ना लें सस्ते के चक्कर में, पैसे बचाने के चक्कर में, ताजो आपको दोबारा से डबल पैसे देके छूटना पड़े। तो मैं ऐसी टिकट आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ऐसी एयरलाइन कोई भी रिकमेंड नहीं करूँगा। आप अच्छी एयरलाइन की टिकट लें और ताजो आपको किसी भी तरह की परेशानी जो ना हो। तो ये कुछ बातें थी, क्वेश्चंस थे जो पूछे जाते थे कमेंट बॉक्स में, तो वो मैंने, मुझे लगता है कि उनका जवाब सबका दे दिया। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप मुझे को बता सकते हैं, मैं उसका फिर भी आपको जवाब दे दूंगा। तो ठीक है जी, आज की वीडियो में इतना ही था। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जी किसी अगली वीडियो में। बाय बाय।